हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:04 एंड हमने बैंक बी सी टेम में लॉन्ग ट्रेड लिया। 400 क्वांटिटी 419.18 प्राइस पे हमने लॉन्ग किया एंड हमने स्टॉप लॉस भी लगाया। फ्रेंड्स, सिस्टम पे हमने 1 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखा है एंड प्राइस अगर हमारे फेवर में जाता है फ्रेंड्स तो हमने और क्वान्टिटी एड करेंगे। फिलहाल 400 क्वांटिटी है एंड जब भी आप ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स बैंक बीस में, जब भी आप ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी एंड बैंक बीस का जो डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस है, वो आप देखिएगा ताकि आपका ट्रेकिंग एरर ना हो। एंड देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:05, मैं आपको अपडेट करता हूँ, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम पे स्टॉप लॉस है। एंड देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी 10:53 हो रहा है, हमने और 25 क्वांटिटी एड किया। फिलहाल हमारे पास 425 क्वांटिटी है, 419.22 हमारा बाइंग प्राइस है। एंड देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी अभी ग्रीन में है बट हमारा निफ्टी रेड में चल रहा है एंड हम सेटअप वगैरह भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स आगे। बैंक निफ्टी पे कौन सा सेटअप के ऊपर हमने बैंक बी सी टेप में ट्रेड लिया, इंटरडे ट्रेड लिया, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड प्राइस देखिए अभी थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, प्रॉफिट थोड़ा हमारा इंक्रीज हो रहा है बट 1:2 नहीं आया फ्रेंड्स, 1:2 नहीं आया, तो हम 1:2 के लिए वेट करेंगे। टाइम हो रहा है 10:54 एंड जो भी होता है फ्रेंड्स मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेड में बने रहेंगे फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस भी है हमारा तो ट्रेड में हम बने रहेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी 2:22 हो रहा है, हमने और कुछ क्वांटिटी ऐड किया, टोटल हमारे पास अभी 500 क्वांटिटी है, 419.34 हमारा बाइंग प्राइस है, हमने एवरेजिंग अप किया। एंड देखिए फ्रेंड्स, हमने सिस्टम पे अभी लिमिट ऑर्डर भी लगाया क्योंकि टाइम भी नहीं है, अभी मार्केट बंद ही होने वाला है, तो हमने लिमिट ऑर्डर भी लगाया, सेल लिमिट लगाया एंड स्टॉप लॉस भी हमारा इनटेक है, सेम स्टॉप लॉस हमने लगाया, सिर्फ हमने क्वांटिटी को मॉडिफाई कर दिया। बट देखिए मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो आई थिंक हमारा टारगेट नहीं होगा फ्रेंड्स आज, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड देखिए फ्रेंड्स, मार्केट बंद हो गया अभी तो, और देखिए फ्रेंड्स हमारा ना तो स्टॉप लॉस गया ना तो टारगेट हिट हुआ, तो हमने 1:1 के आसपास हमने पोजीशन को क्लोज किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम सेटअप डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी पे, कौन सा सेटअप के ऊपर बेस करके हमने बैंक बीस में ट्रेड लिया था, इंट्राडे ट्रेड लिया था, वो डिस्कशन करते। एंड देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रीवियसली 41,600 ये लेवल एक मार्क करके रखा था क्योंकि प्रीवियसली भी हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी ये लेवल पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस फेस किया प्रीवियस डे, यहाँ पे यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, बाद में देखिए यहाँ पे भी ऊपर गया था, बाद में फिर से ये रेसिस्टेंस के नीचे प्राइस आ गया, मतलब ये ब्रेकआउट किया था बट ये सस्टेन किया नहीं। बाद में देखिए यहाँ पे भी एक बार ब्रेकआउट हुआ, बाद में फिर से प्राइस नीचे आएगा, मतलब ये लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा था। तो मल्टीपल टाइम ऑलरेडी हिट किया था, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 बार ऑलरेडी हिट किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये लेवल के ऊपर जाएगा प्राइस तो एक मूवमेंट आ सकता है, एटलीस्ट हमारा 41,800 तक एक मूवमेंट आ सकता है ये लेवल तक, मैं मार्क करता हूँ 41,800। तो ये लेवल तक मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखा था अपसाइड मूवमेंट के लिए। एंड डाउनसाइड मूवमेंट के लिए फ्रेंड्स मैंने एक लेवल मार्क करके रखा था, यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखा था एंड ये लेवल क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं पहले लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ 450। तो मार्केट अगर ये लेवल के नीचे निकलता है तो फिर मैं मतलब शॉर्ट ट्रेड का मैं ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला था। एंड ये लेवल कहाँ से आया फ्रेंड्स, तो देखिए प्रीवियस डे देखिए ये 41,600 से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, बाद में हमारा जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था ये लेवल भी हमने डिस्कशन किया था 41,250। तो ये लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस थोड़ा ऊपर गया 41,450 तक गया, बाद में फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से प्राइस नीचे आया एंड डबल बॉटम फॉर्मेशन करके 41,250 के आसपास डबल बॉटम फॉर्मेशन किए करके फिर ये हमारा जो लेवल था 41,450 ये लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंड प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग किया। बट जो हमारा रेसिस्टेंस था फ्रेंड्स 41,600 ये रेसिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग किया। एंड देखिए फ्रेंड्स, आज का सेटअप पे आते हैं अभी, तो आज देखिए फ्रेंड्स मार्केट ये लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया जो हमारा
नेक लाइन था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक फॉर्मेशन किया था, डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर प्राइस ऊपर क्लोजिंग किया था, तो ये लेवल भी हमने नोट डाउन करके रखा था। तो प्राइस देखिए ये लेवल पे सपोर्ट लिया एंड प्राइस फिर से यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आया, तो यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट ले रहा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ये लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है तो ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वो बेस पे एंड स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा आ रहा था, ये लेवल के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था, तो हमने फिर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था। हमने यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख पाएंगे, ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, तो देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड किया, बाद में फिर देखिए सेकेंड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया, तो ये कैंडल पे हमने एंट्री बनाया था, तो थोड़ा ऊपर भी एंट्री किया नीचे भी एंट्री किया, बट हमारा स्टॉप लॉस फ्रेंड्स ये 41,450 इसके नीचे था, या आप ये कैंडल के लो पॉइंट पे भी आप बोल सकते हैं। हम बैंक बीज में वो पॉइंट दिखाएंगे फ्रेंड्स, बैंक बीज में एग्जैक्ट हमारा कौन सा पॉइंट पे स्टॉप लॉस था, जैसे हमने लाइव मार्केट में दिखाया फ्रेंड्स तो ऐसे हमारा 1 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, तो ये कैंडल के नीचे हमारा लॉजिकल एक स्टॉप लॉस था एंड टारगेट के लिए मैंने 41,800 का टारगेट रखा था। बट देखिए फ्रेंड्स मैं फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, बट देखिए फ्रेंड्स मार्केट फिर से आज साइडवेज हो गया, तो देखिए यहाँ तक गया था 680 तक गया था, 700 तक भी नहीं गया, बाद में देखिए फिर से मार्केट ये लेवल पे एक साइडवेज हो गया, एक रेंज में ट्रेड किया एंड हमारा टारगेट भी नहीं दिया, हमने ट्रेड पे था फ्रेंड्स पूरा दिन भर हमने होल्ड किया पोजिशन को एंड लास्ट में एंड ऑफ द डे फिर हमने ये कैंडल पे क्लोजिंग किया, एक्चुअली पोजीशन को हमने क्लोज कर दिया 1:1 के आसपास हमने पोजीशन को क्लोज किया। एंड चार्ट पे और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो वो पॉइंट भी हम एक बार डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम ये लाइन वगैरह डिलीट करते हैं, ये बॉक्स भी डिलीट करते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं फ्रेंड्स। एंड देखिए फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम पे ये वीक पे कोई मूवमेंट हुआ नहीं, एक्चुअली डायरेक्शनलेस मूवमेंट था एंड कोई डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ नहीं। एंड देखिए यहाँ पे एक हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड बॉक्स का देखिए अपर एंड होता है हमारा 41,600, जैसे हमने चार्ट पे भी मार्क करके रखा है 41,600 एंड नीचे होता है हमारा 41,250। तो देखिए मार्केट ये लेवल के अंदर ही ट्रेड किया, तो ये हमारा मंडे होता है, मंडे ये 5 ट्रेडिंग डेज होता है, तो ये 5 ट्रेडिंग डेज में देखिए यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, डायरेक्शनलेस मार्केट था। एंड मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ फ्रेंड्स, एंड वीकली भी देखिए प्रीवियस वीक पे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट था, एक डायरेक्शनल मार्केट था, उसके प्रीवियस वीक पे देखिए सेलिंग मार्केट था एंड बहुत बड़ा सेलिंग मूवमेंट था वीक पर, बट ये वीक पे देखिए तो हम बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया। तो जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे हमने बॉक्स ड्रॉ किया एंड बॉक्स का जो अपर रेंज है 41,600 एंड लोअर रेंज है 41,250, तो ये दोनों लेवल पे फ्रेंड्स प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए नेक्स्ट वीक के लिए, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो ये दोनों लेवल पे हमको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है एंड उसके बेस पे फिर हमको ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम बैंक भी सीटीएफ में वो पॉइंट वगैरह एक बार देख लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे थे रेफरेंस पर्पस एक बार हम देख लेंगे। तो हम बैंक बीज चार्ट में आते हैं एंड देखिए फ्रेंड्स बैंक बीज का यहाँ से हमारा आज का डेट स्टार्ट होता है 10 फरवरी का, देखिए ट्रेडिंग डेज यहाँ से स्टार्ट होता है एंड जैसे हमने बैंक निफ्टी पे डिस्कशन किया तो हमारा रिट्रेसमेंट पे भी थोड़ा ऊपर भी बाई था एंड थोड़ा नीचे भी बाई किया, तो हमने ये लेवल से बाइंग स्टार्ट किया था, तो ये कैंडल के लो पॉइंट पे 1 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस था एंड टारगेट तो फ्रेंड्स दिया ही नहीं, 1:2 का टारगेट दिया ही नहीं। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।